सकते हैं इस पेड़ के स्ट्रक्चर को। तो ये पेड़ गाइस लोग पूछते हैं और हम तो इसलिए हम इसके ज़्यादा करीब नहीं जा सकते। दिया है और आप देख सकते हैं मतलब पूरा राउंड राउंड कर लिया है खुद को हील करके। व्लॉग तो गाइस सामने का कैमरा कुछ ग्लिच कर रहा है, कोई बात नहीं। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर के पेड़। तो हम आ चुके हैं एक पेड़ के पास। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं गाइस ये श्रापित पेड़ है जिसका एक मैंने अलग ही एक वीडियो बना दिया है। तो आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर में उसका लिंक है, वो आ जाइए और वो वीडियो देख के आए। तो चलिए चलते हैं और एक पेड़ के पास। Violet skies and countryside, it all comes flooding back to me in watercolor when we had each other caught up in the memory. इतना पुराना हो चुका है गाइस, आप देख सकते हैं कि इसके साइड में जो रूट है वो अपना ही एक स्ट्रक्चर ले चुका है। या थोड़ी हवा ज़्यादा है गाइस, फिर भी शायद आवाज थोड़ी क्लियर ना आ सके। आप जो ये देख रहे हैं, जो रूट आप देख रहे हैं गाइस, ये मतलब खुद एक स्ट्रक्चर ले चुके हैं, मतलब खुद अभी इनको खुद एक पेड़ बनना है इन रूट को। तो आप देख सकते हैं अगर ज़्यादा पुराना हो जाता है पेड़ तो आप बहुत सारे पेड़ में ऐसा देखेंगे कि उनके रूट जो है वो खुद ही एक स्ट्रक्चर ले चुके हैं, मतलब खुद ही और एक मतलब एक्सटर्नल पार्ट बनना चाहते हैं अपने खुद के पेरेंट के। मतलब जब आप हमारे पेरेंट को छोड़ के खुद घर बसने जाते हैं तो वैसे ही ये जो रूट है वो अपना पेरेंट ट्री छोड़ के खुद एक एक्सटर्नल पार्ट बनना चाहते हैं, मतलब अपने पेरेंट ट्री को छोड़ के। एक या थोड़ा हवा ज़्यादा आएगा इस तो आज में शायद थोड़ा तकलीफ आ सकता है। तो आप देख सकते हैं इस पेड़ के, चलिए मैं आपको और पेड़ों में ले चलता हूँ। यहाँ पर बहुत सारा पेड़ है जो मैं आपको सब पेड़ आज एक्सप्लोर करूँगा। चलिए चलते हैं। गाइस हम आ चुके और एक नए पेड़ के पास। आप इसका हाल देख सकते हैं, इसमें भी रूट पूरा जकड़ चुका है इस पेड़ को, हम देख सकते हैं। पर देखने में गाइस ये बहुत ही सुंदर लगता है क्योंकि ये मतलब कुछ अलग ही है और पेड़ों से। ये जो गाइस ये पेड़ नंबर 2 है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और पहला जो पेड़ है मैं आपको दिखा चुका हूँ, उसमें भी गाइस कुछ ऐसा ही हाल है पेड़ का। और आप फिक्र मत कीजिए क्योंकि ये पेड़ों को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाते क्योंकि ये पेड़ का अपना ही एक पार्ट है, मतलब अपना ही एक पेड़ का, मतलब हम जैसे अपने पेरेंट के एक बच्चे होते तो ये पेड़ का अपना ही एक पार्ट है ये जो रूट है। अगर ज़्यादा पुराना हो जाता है तो मतलब पेड़ ज़्यादा पुराना हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि रूट अपना ही एक आकार ले लेता है अपना खुद का एक अलग पहचान बनाने के लिए, जैसे हम अलग हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस इसका मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, साइज में भी ये बहुत लंबा रूट है क्योंकि गाइस ये अभी आप देख सकते हो पूरा इसका पैर ही थोड़ा अलग है, देख सकते हैं बीच में होल है। और इस बीच में होल से गाइस वाटर एब्जॉर्ब करता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए थोड़ा इसको आप सर्कुलर मोशन में मैं आपको दिखाता हूँ। और पीछे भी गाइस ये देख सकते हैं आप, पीछे भी होल है और पीछे भी पूरा रूट जगड़ चुका है इसको। या गाइस थोड़ी हवा ज़्यादा है तो आवाज़ शायद थोड़ा क्लियर ना आ सके, फिर भी अब मैं देख सकता हूँ। अभी आप थोड़ा करीब चलते हैं इसके, ये देखिए गाइस करीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसका जो रूट है, आप देख सकते हैं किस कैसे सर्कुलर मोशन में इसको पकड़ के रखा है, ऐसे राउंड होके इसको पकड़ के रखा है इस रूट ने, मतलब अभी ये खुद रूट जो है वो एक अलग पार्ट बन चुका है। तो चलिए और ट्री के पास चलते हैं, इसको छोड़ते और हम नेक्स्ट ट्री के पास चलते हैं। गाइस ये है पेड़ नंबर 2, आप देख सकते हैं इसका कंडीशन। चलिए थोड़ा करीब से चलते हैं। गाइस ये थोड़ा अलग है औरों पेड़ से क्योंकि गाइस एक पेड़ नहीं है, ये दो पेड़ है आप देख सकते हैं। जैसे हमारे दो पेड़ होते हैं वैसे दो पेड़ है इसका, आप देख सकते हैं कि इसका दो पेड़ है, मतलब साइड से मतलब
इसका जो बीच का होल है वो अभी पूरा ख़त्म हो चुका है, और साइड से जो एक है वो दोनों मिल के एक पेड़ बन चुके हैं। और गाइस ये पेड़ अभी पूरा ठीक है, और यहाँ पे लीचू भी आती है कभी कभी और लोगों को खिलाता है। इसके अंदर गाइस कभी कोई कोई एनिमल शेल्टर लेता है इसके अंदर जब बारिश आती है, तो आप देख सकते हैं ये जो दो पेड़ मिल के एक पेड़ बना है गाइस, ये भी बहुत ही देखने में बहुत सुंदर है ये पेड़, क्योंकि दो पेड़ मिल के एक पेड़ बना है। चलिए नेक्स्ट पेड़ की ओर चलते हैं। जो गाइस हम आ चुके हैं और एक पेड़ के पास, ये देखिए ये बहुत ही बड़ा पेड़ है, और बहुत दूर से इसका जो ब्रांच है वो दिखा जाता है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पेड़ है। चलिए इसके करीब चलते हैं। तो गाइस ये हम आ चुके हैं इस पेड़ के पास, तो आप देख सकते हैं इस पेड़ में एक लाल धागा मतलब लाल कपड़े से पूरे पेड़ को बांध कर रखा है, क्योंकि गाइस ये पेड़ लोग पूछते हैं, और यहाँ पे भगवान भी है, तो ये पेड़ गाइस लोग पूछते हैं, और हम तो इसलिए हम इसके ज़्यादा करीब नहीं जा सकते। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस ये पेड़ भी बहुत साल पुराना है गाइस, बहुत साल पुराना लगभग 80 या 90 साल पुराना होगा ये पेड़। आप देख सकते हैं इसका जो साइड में रूट है गाइस, ये मतलब और एक रूट मैंने आपको वहाँ दिखाया था कि ये सिर्फ रूट मतलब जन्म ले रहे और सिर्फ पेड़ को जकड़ रहे, पर गाइस इसका जो रूट है वो एक अलग ही पार्ट बन चुका है। आप देख सकते हैं ये जो रूट है वो इधर से जाके एक अलग ही ब्रांच होकर बन चुका है, और ये गाइस ये बहुत बड़ा पेड़ है। अभी आप मैं आपको कर सो देख सकते हैं गाइस ये पुराना होते होते ये अंदर से फट भी चुका है बारिश में। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेड़ की ओर। तो ये है और एक पेड़ जिसके पास हम आ चुके हैं, देख सकते हैं इसका बाहर का जो परख है वो डिसकलर हो चुका है, और मतलब इसका जो एंड इसके अंदर घुसता है मतलब इसका हाल पूरा ख़राब हो चुका है। आज इसमें तो कोई रूट नहीं है, पर इसमें भी कुछ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर सनलाइट थोड़ा इधर से गिर रहा है, और ऊपर देख सकते हैं हाँ ऊपर ये जो गाइस आप देख सकते हैं ऊपर इसका अभी इधर से एक पैर उठ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैर है, इसके बीच में जो होल है उसमें एक पैर है, छोटा सा नन्ना सा एक पेड़ है, मतलब वो अभी उग रहा है नया नया, तो जब वो उगेगा तो गाइस इस पेड़ को ओवरटेक कर लेगा और खुद और एक पेड़ बन जाएगा यहाँ से, मतलब ये यहाँ से निकलेगा और इधर में बुरा एक पेड़ बन जाएगा, पेड़ को ओवरटेक कर लेगा। तो मैं आपको चलिए और एक पेड़ दिखाता हूँ, सामने एक पेड़ है गाइस ये जो पेड़ है उसको दिखाता हूँ मैं। गाइस ये जो पेड़ आप देख रहे हैं इसको देख के डरिएगा मत, क्योंकि गाइस ये जो पेड़ है गाइस ये सब ऐसे ही होते हैं, और ये कोई भुतिया पेड़ नहीं है, क्योंकि गाइस ये पेड़ का मतलब आकार और स्ट्रक्चर कभी कभी ऐसा हो जाता है लैक न्यूट्रिशन की वजह से और कम वाटरफॉल की वजह से ये सब ऐसा हो जाता है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। चलिए मैं दिखा, तो ये देख सकते हैं गाइस ये जो पेड़ है इसका जो है गाइस एक हेड निकल चुका है, अब कहा इसको एटागोन टाइटन मत समझिए कि अंदर से कोलोसल निकलेगा, आप देख सकते हैं इसका एक हेड जैसा कुछ निकला हुआ है इस पेड़ से। तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस ये जो हेड जैसा है मतलब हेड जैसा कुछ है, ये हेड नहीं मतलब ये कोई एक ब्रांच है, ट्री का ही एक ब्रांच है, दो साइड में दो मतलब गाइस यहाँ पे एक ब्रांच था जो अभी मतलब टूट के गिर चुका है, और जैसे टूट के गिरा गाइस पेड़ ने अपने आप को खुद ही हील कर दिया है, और आप देख सकते हैं मतलब पूरा राउंड कर लिया है खुद को हील करके। अब देख सकते हैं गाइस कि पैर भी खुद को हील कर सकते हैं और खुद को बचा भी सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पैर की ओर चलते हैं। तो ये है और एक पैर, इसका कोई गाइस मतलब इसका रूट बाहर नहीं निकला है, पर ये जो पैर है मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि नन्ना मुन्ना सुंदर सा पैर है, और ये फिलहाल कुछ दिन हुए इसको जन्म लिए हुए,
और गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पेड़ है। और ऐसे पेड़ होने से आपका गार्डन भी बहुत ही सुंदर लगेगा। और गाइस पेड़ों से आपको बहुत कुछ खाने को मिल सकता है, जैसे ये देखिए, ये कुछ एलियन फल नहीं है, इसको जाम के थे और आप भी इसको खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है। और इसका पेड़ भी कुछ अलग टाइप का पेड़ होता है, तो उसको देख कर डरिएगा मत, जाइएगा और इस फल को खाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।